हो गई पढ़ाई दोस्तों। अरे कोई दिक्कत नहीं, आज का हाई टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन दैट केम इन 2016। हाँ भाई, वही जो आप पढ़ रहे हो। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी लेंदी, सो स्टार्ट में 200 मेडिकल ट्रिक पे आते हैं। पहली ट्रिक है रेड कलर के बारे में। जो भी चीज़ें ट्यूब रिलेटेड स्ट्रक्चर से बनी हो वो रेड कलर में जाएगी या फिर रेड कंटेनर में जाएगी। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, फोलेट कैथेटर। फोलेट कैथेटर को ट्यूब है तो रेड कलर में जाएगा। आईवी ड्रिप सेट रेड कलर में जाएगा क्योंकि आईवी ड्रिप सेट में तो ट्यूब होती ही है। रायल ट्यूब रेड कलर में जाएगा। हाँ, तो फोलेट कैथेटर हो या फिर आईवी ड्रिप सेट हो या फिर रायल ट्यूब हो, इनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है तो रेड कलर में जाता है, दैट इज रेड बिन या फिर रेड कंटेनर में जाता है। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो भी चीज़ें येलो कलर रिलेटेड है वो रेड कंटेनर में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, फोलेट कैथेटर येलो कलर का रहता है तो रेड कलर में जाएगा। यूरोबैग, भाई यूरोबैग यूरिन से रिलेटेड है, यूरिन येलो कलर का होता है तो वो भी रेड कलर में जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्लोव्स का। जो भी ग्लोव्स है कौन से भी कलर के हो वो रेड कलर में जाएंगे। इसकी ट्रिक भी येलो कलर है क्योंकि ज़्यादातर ग्लोव्स येलो कलर के रहते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हॉस्पिटल में ब्रदर हो या फिर सिस्टर हो, सभी येलो कलर के ग्लोव्स पहनते हैं या फिर सर्जिकल ग्लोव्स ज़्यादातर येलो कलर के रहते हैं। हाँ, अगर एग्जाम में उन्होंने नाइट्राइल ग्लोव्स की इमेज दी तो आपकी सिली मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी ग्लोव्स नाम सुनोगे तो येलो कलर ग्लोव्स याद करना, और येलो वाला किस में जाएगा, रेड कलर में। और एक ट्रिक है रेड कंटेनर के बारे में, इसके नाम में आरी है। आरी मतलब रिसाइकल। जो भी चीजें रिसाइकल होती है वो रेड कंटेनर में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, प्लेन सिरिंज, या फिर सिरिंज को आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी पकड़ सकते हो, फिर से वही आ जाएगा फिर आंसर, क्योंकि सिरिंज एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो वो भी रेड कलर में जाएगा। ऑब्वियसली ये प्लेन सिरिंज है विदाउट नीडल। वैक्यू टेनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसकी तरफ ध्यान से देखो, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो ये भी रेड कलर में जाएगा, या इसको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं। मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो रेड कलर। आई रिपीट ऑल द एग्जांपल्स दैट रिलेटेड विद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फोलेट कैथेटर में ट्यूब रहता है, आईवी ड्रिप सेट में ट्यूब रहता है, रायल्स ट्यूब के नाम में ही ट्यूब है, प्लेन सिरिंज लुक्स लाइक ट्यूब, सिलेंड्रिकल ट्यूब लगता है वो, वैक्यू टेनर्स भी सिलेंड्रिकल ट्यूब है। सो दीज आर द थिंग्स दैट गोज इन टू रेड कंटेनर। अब जो चीज़ें रेड कलर से रिलेटेड है या फिर कंटेमिनेटेड है बॉडी फ्लूड से, वो सब चीज़ें येलो कंटेनर में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड बैग। ब्लड बैग का कलर रेड होता है तो येलो कलर में जाएगी, येलो कंटेनर में जाएगी। यूरोबैग तो मैंने बता दिया, यूरोबैग यूरिन से रिलेटेड है, यूरिन येलो कलर का होता है तो रेड कलर में जाएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉइल वॉच पीसेस या फिर सॉइल कॉटन मटेरियल। हाँ, तो इनको एक बार ब्लड लग गया या फिर बॉडी फ्लूड लग गया तो ये येलो कलर में जाएंगे, येलो कंटेनर में जाएंगे। इसमें फिर ब्लड, सॉइल, टिश्यू पेपर, गॉज पीसेस, यूज ड्रेसिंग मटेरियल, ये सब येलो कंटेनर में जाएंगे। बस ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ग्लोव्स को ब्लड लगता है, सॉइल ग्लोव्स, मैंने तो बता दिया, ग्लोव्स कोई भी हो वो रेड कंटेनर में जाएंगे, सॉइल हो या फिर विदाउट सॉइल, यहाँ सिले मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन टिश्यू या फिर ह्यूमन बॉडी ऑर्गन या फिर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, जो भी है येलो कंटेनर में जाएंगे। ऑफकोर्स ये सब चीज़ें ब्लड से रिलेटेड है, खून से रिलेटेड है तो ये येलो कलर में जाएंगी, येलो कंटेनर में जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिनन या फिर बेडिंग, ये येलो कंटेनर में जाएगा। हाँ भाई, जो भी चीज़ें ऑपरेशन थिएटर में रहेगी वो पेशेंट के बॉडी फ्लूड से कंटेमिनेटेड हो ही जाएगी, और जो भी चीज़ें कंटेमिनेटेड होती है बॉडी फ्लूड से वो येलो कंटेनर में जाएगी, चाहे लिनन हो या फिर बेडिंग हो। नेक्स्ट ट्रिक है कोविड रिलेटेड PPE किट, मतलब शू कवर हो या फिर हेड कवर हो या फिर यूज मास्क हो या फिर गाउन या लेनिन, ये सब येलो कलर में जाएगा, येलो कंटेनर में जाएगा। सो अल्टीमेट ट्रिक ये है येलो कलर की, जो भी चीज़ें बॉडी फ्लूड से कंटेमिनेटेड होती है वो येलो कलर में जाएगी, और ये सभी चीज़ें यूज एंड थ्रो लाइक है, मतलब इसको रीयूज नहीं कर सकते। शू कवर, हेड कवर कौन रीयूज करेगा भाई, बहुत सारे रहते हैं। हाँ, पर कुछ चीज़ें ना वो रिसाइकल होती है, वो रेड कंटेनर में जाएगी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि रेड कलर में आरी नाम आता है, आरी लेटर आते हैं, आरी मतलब रिसाइकल वाले। अब कोविड रिलेटेड आपको अगर MCQ आ गया तो कौन सी चीज़ें हो सकती है जो रेड कंटेनर में जाएगी, गॉगल या फिर फेस शील्ड या फिर स्प्लैश प्रूफ एप्रॉन या फिर हेलमेट सूट। इन चीज़ों को देखने के बाद आप बोलोगे इसको रीयूज किया जाए या फिर इसको रिसाइकल कर सकते हो। अब अगली ट्रिक है ब्लू कलर के रिलेटेड। जो भी चीज़ें ग्लास रिलेटेड हो, कांच से बनी हो, वो सब ब्लू में जाएगी। बस आपको ध्यान देना है वो एम्प्टी होनी चाहिए, आई मीन टू से उसमें केमिकल या फिर कोई भी मेडिकल नहीं होना चाहिए,
और अगर उन्होंने पूछा ग्लास वायल विथ साइटोटॉक्सिक मेडिसिन, तो येलो कंटेनर में जाएगी। ब्रोकन ग्लास या फिर ब्रोकन एम्पुल या फिर एम्प्टी वायल, ये सब ब्लू में जाएगा। वही लाइव या फिर एटेन्यूएटेड अगर वैक्सीन है तो वो येलो कंटेनर में जाएगी। N95 मास्क किस में जाएगा? N95 मास्क येलो कलर में जाएगा यार, क्योंकि ओटी में क्या होता है कि N95 मास्क हो या जो भी मास्क हो, वो बॉडी फ्लूइड से कंटेमिनेटेड हो ही जाता है, तो येलो कलर आ जाएगा फिर कंटेनर। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लास वायल फिल्ड विथ वैक्सीन, ये येलो कंटेनर में जाएगी। अभी बता दिया मैंने जो भी ग्लास रिलेटेड चीज है वो ब्लू कलर में जाएगा, पर अगर ग्लास के अंदर मेडिसिन है या फिर वैक्सीन है तो वो येलो कलर में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लास स्लाइड का, ग्लास स्लाइड भी ब्लू में जाएगी। मेटालिक इम्प्लांट किस में जाएगा? मेटालिक इम्प्लांट, जो भी इम्प्लांट चीजें है वो ब्लू में जाएगी। हाँ, तो ब्लू कैटेगरी में दो चीजें जाएगी, एक तो ग्लास रिलेटेड या फिर मेटालिक इम्प्लांट। देख भाई, मेटालिक इम्प्लांट और मेटल्स का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेटालिक इम्प्लांट अलग बात है, मेटल्स अलग बात है। आर्टिफिशियल पेसमेकर किस में जाएगा? आर्टिफिशियल पेसमेकर, ये बॉडी इम्प्लांटेड चीजें है, तो ये ब्लू में जाएगा। साइटोटॉक्सिक मेडिसिन या फिर एक्सपायर मेडिसिन या फिर डिस्कार्डेड मेडिसिन येलो कलर में जाएगा। अब जो भी चीजें माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड है या फिर क्लिनिकल लेबोरेटरी रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड केमिकल वेस्ट फ्रॉम लैब लाइक रिएजेंट, नॉर्मल सलाइन, ये सब येलो कलर में जाएगा। अब जो भी चीजें मेटल है या फिर शार्प चीजें वो व्हाइट में जाएगी, व्हाइट कंटेनर में। शार्प चीजें या फिर मेटल से बनी हुई चीजें लाइक सूचर नीडल, ये शार्प मटेरियल है तो व्हाइट में जाएगा। सिरिंज विथ नीडल, मतलब सिरिंज है पर सिरिंज को नीडल भी है तो वो शार्प हो गया, तो ये भी व्हाइट में जाएगा। अगर मैंने सिरिंज की नीडल निकाली तो सिरिंज किस में जाएगा? प्लेन सिरिंज, रेड कंटेनर में। और रेड कंटेनर की ट्रिक क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तैयार होगा उसका फिर। हाँ, तो प्लेन सिरिंज रेड कंटेनर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए, और अगर उसको नीडल लगाया सिरिंज विथ नीडल तो व्हाइट कंटेनर। लुम्बार पंक्चर नीडल व्हाइट कंटेनर। हाँ, तो जो भी चीजें मेटल से बनी हुई हो या फिर शार्प हो वो व्हाइट कंटेनर में जाएगी। मेटल से बनी हुई हो मतलब लाइक रेजर ब्लेड या फिर स्कालपेल, ये शार्प भी है और मेटल से बनी है तो ये व्हाइट कलर बैग में जाएगी। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।